आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग ऑथेंटिक और रियल अपडेट देने वाले हैं जैक बोर्ड रिजल्ट 2023 को लेकर। क्लास 9th और 11th का जो रिजल्ट है वो किस दिन जारी होगा। क्लास 8 का रिजल्ट आज के डेट में यानी 3 तारीख को जारी कर दिया गया है, क्योंकि स्टूडेंट के लिए रिजल्ट ही एक ऐसा चीज़ है जो बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं पास हूँ या फिर कैसा रिजल्ट है मेरा, फर्स्ट हो सेकेंड हो या फिर मैं फेल कर गया क्या, इसको लेकर बहुत ही ज़्यादा माइंड में तनाव बना रहता है। ये सारा तनाव और टेंशन आज के वीडियो में दूर करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको डिटेल से यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताऊंगा, जो भी मेरा 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, रिजल्ट किस प्रकार से जैक जारी करता है, मैं आपको यहाँ पर ऑथेंटिक और सही अपडेट दूंगा, ठीक है। अगर पिछले साल की अगर बात किया जाए, यहाँ पर जैक बोर्ड कैसे रिजल्ट को जारी किया था। सबसे पहले अचानक फ्राइडे को, ठीक है, फ्राइडे का दिन था, क्लास 9th का रिजल्ट दोपहर को जारी कर दिया जाता है। किसी को कुछ भी अपडेट नहीं देता है, ना ही अखबार में दिया था किस प्रकार से रिजल्ट जारी होगा। अचानक ही क्लास 9th का सबसे पहले रिजल्ट जारी कर दिया गया, जिस प्रकार से यहाँ पर क्लास 8 का आज के डेट में बिना बताए जारी हो गया। इसके एक दिन बाद, जी हाँ, इसके एक दिन या फिर आई थिंक 2 दिन के बाद आपका क्लास 8 का भी रिजल्ट जारी हो गया तुरंत, यानी सैटरडे को रिजल्ट क्लास 8 का भी जारी हो गया। इसके बाद लगा कि चलिए संडे को आपका जारी होगा क्लास 11 का, ठीक है, लेकिन संडे को क्लास 11 का जारी नहीं हुआ। उसके बाद चलिए संडे है, कोई भी ऑफिशियल काम काज नहीं होता है, उसके बाद फिर मंडे को इंतजार किया गया, मंडे को भी आपका रिजल्ट जारी नहीं हुआ। तकरीबन 2 से 4 दिन लगा समय क्लास 11 के रिजल्ट को जारी होने में। इसका रीजन है, क्लास 11 में 3 स्ट्रीम के स्टूडेंट होते हैं, पहला आर्ट्स, दूसरा कॉमर्स, तीसरा साइंस। तो इन तीनों के रिजल्ट को अपडेट करने में समय लगता है, जिस कारण से यहां पर क्लास 11 का रिजल्ट में देरी हुआ पिछले साल। तो यहां पर अगर देखा जाए, क्लास 8 का तो रिजल्ट जारी हो चुका है, तो क्लास 9th का जो रिजल्ट है वो आपका 100% चांस है मंडे को रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अगर मॉर्निंग में साइट, जो जैक बोर्ड का साइट है, अगर इस प्रकार से अगर साइट को प्राइवेट कर दिया जाता है, तो 100% शाम को आपका रिजल्ट, जी हां, शाम को ही आपका रिजल्ट क्लास 9th का डिक्लेयर कर दिया जाएगा, या फिर हो सकता है ट्यूजडे चला जाए, ठीक है, यानी मंगलवार को रिजल्ट 100% आपका जारी हो जाएगा। ये 100% इसकी गारंटी है। अब बात कर लेते हैं, जब मंगलवार या फिर सोमवार को क्लास 9th का रिजल्ट जारी हो जाएगा, तो यहां पर 11th का रिजल्ट कब जारी होगा। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था, पिछले साल 2 से 4 दिन रिजल्ट को अपडेट करने में समय लगा था, यहां भी 2 से 4 दिन आपका समय लगेगा। यानी अगर देखा जाए, आज सैटरडे है, इसी प्रकार इसी फ्राइडे या फिर सैटरडे को 11th का भी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इससे ज्यादा दिन नहीं यहां पर लगने वाला है, आपका इसी सप्ते में रिजल्ट 100% जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आपसे मैं बताना चाहता हूं, खास करके क्लास 11th वाले जो भी स्टूडेंट है, इस चैनल को ज्वाइन करना है। क्यों? क्योंकि आपको यहां पर 12th की तैयारी पूरे अच्छे तरीके से और साथ ही साथ CUET की तैयारी, जिससे आप लोग अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सको और अपने भविष्य को उज्जवल बना सको। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मेरे चैनल में जाइए और वीडियो को चेकआउट कीजिए, ठीक है, 12वीं का, या फिर आप देख सकते हैं CUET एग्जाम 2023 का, या फिर 2022 में जो भी स्टूडेंट मेरे पास 12वीं क्लास में पढ़ाई की, आप मेरे कम्युनिटी पोस्ट में जाकर देखिए, सारे रिजल्ट वहां पर मैंने पोस्ट कर दिए हैं, वो रिजल्ट को देखिए, उसी तरह आपको भी मोटिवेट होना है, उसी तरह आपको टॉपर बनना है और अच्छे रिजल्ट से पास करना है क्लास 12वीं में, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर है उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा भविष्य में, तो इससे रिलेटेड मैं व्हाट्सअप में ही आपको इंटरेक्ट करूंगा, आपको मैसेज करूंगा, आपसे बात करूंगा, ठीक है।